हेलो ट्वेल्थ क्लास, दिस इज योर इकोनॉमिक्स चैप्टर फोर ग्लोबलाइजेशन। चैप्टर फोर ग्लोबलाइजेशन। वेल, लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, मींस व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज। वर्ल्ड में जितनी भी इकोनॉमीज हैं वेरियस कंट्रीज की, उनमें आपस में इंटीग्रेशन का होना ही ग्लोबलाइजेशन है। सो ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड अंडर कंडीशंस ऑफ, यू कैन से, फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल एंड इवन मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस बॉर्डर्स, है ना। सो इन दिस प्रोसेस गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एंड दे आर मार्केटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। थ्रू आउट द वर्ल्ड मीन्स सब कंट्रीज एक दूसरे के साथ, एंड दिस इज यू कैन से, जो लार्ज कंपनीज हैं जिनको हम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन MNCs, ये चीज इस सीन में इमर्ज होके आया है। नाउ सी व्हाट डू वी मीन बाई एन MNC। MNC इज अ कंपनी विच ओन्स एंड कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। मतलब एक नेशन से ज्यादा नेशंस में अगर उसका प्रोडक्शन हो रहा है और वो वहां पे ओनर है, मींस ओन्स एंड प्रोड्यूसेस प्रोडक्शन वर्क एक से ज्यादा नेशंस में अगर है तो, आई रिपीट, MNC इज अ कंपनी दैट ओन्स एंड कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन, है ना। सो MNC जो है, दे सेट अप ऑफिसेज एंड देयर फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन इन द एरियाज इन द रीजंस वेयर दे कैन अर्न, वेयर दे कैन गेट, सॉरी, चीप लेबर एंड इवन अदर रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल एंड ऑल दैट, एंड दिस इज डन सो दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो एंड द प्रॉफिट विच द MNCs दे गेट दैट इज मोर। सो टू अर्न मोर प्रॉफिट्स एंड टू लोअर डाउन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये MNCs जो है दे प्रोड्यूस इन मोर देन वन कंट्री। नाउ एज यू नो दैट गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड ग्लोबली, सो प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज इन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स वे। नाउ ग्लोबलाइजेशन जो है उसके बहुत क्या क्या इंक्लूड है उसमें, दैट यू कैन नोट डाउन। वन इज फॉरेन ट्रेड इंक्रीज हो गया, इंक्रीज इन फॉरेन ट्रेड, जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ टेक्निक्स है, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, वो ज्यादा एक्सचेंज होने लग गया। देन फ्लो ऑफ कैपिटल फ्रॉम वन कंट्री टू एन अदर, एंड थर्ड वन इज माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम वन नेशन टू एन अदर नेशन, है ना। सो दिस इज वॉट ग्लोबलाइजेशन इज, दिस इज वॉट ग्लोबलाइजेशन इज। इसकी वजह से द वर्ल्ड हैज कम क्लोजर टू ईच अदर, ऑल द इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड दे हैव कम क्लोजर टू ईच अदर, दे हैव स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टडी अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। थैंक यू।